हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मीनारायण एंड लक्ष्मीनारायण मैथ्स फैकल्टी इज माय फेसबुक पेज। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th का एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के बीच में से टेंजेंट और नॉर्मल का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके बीच में हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में और साथ में उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम लोगों के पास चार तरह के क्वेश्चन आते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था, बहुत सिंपल से थे। सबसे पहला कंसेप्ट था स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का, और दूसरी बात थी कि अगर हम लोगों को किसी भी कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालने आ सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कंडीशन इंपोज कर देगा कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर में समझाया था। आज मैं आपके साथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी सीबीएसई के पेपर में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। इसलिए आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है जी। तो आज के हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप टाइप को देखने की कोशिश करना, मैं किस तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं उसी वे से आपको करना है पेपर के अंदर। डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो आप उसको बनाइए, लेकिन आप गलत मत बनाइए, क्योंकि गलत से थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में जाता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे तो कोई बड़ी इशू नहीं है, बहुत इजी से सवाल है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। बीच वाले जो क्वेश्चन है मैं उनको करवाऊंगा, पहले जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उनको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन वाई माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक कर्व हम लोगों को दे रखी है, आप ऐसे लिखेंगे The given equation of curve, जो कर्व है उस कर्व की इक्वेशन क्या है। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। फिर आपसे क्या कहते हैं, विच इज पैरेलल टू द लाइन वाई माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम लोगों को एक कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह का हमारे पास कर्व है। अगर मैं इसका रफ फिगर देखने की बात करूंगा तो जो इसका रफ फिगर होगा, इसका रफ फिगर होगा वो लगभग ऐसा है, क्योंकि ये जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3y आ जाएगा, फिर आप उसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। आप सिंपल ऐसा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। मान लो जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। आपसे कहते हैं आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ये जो लाइन है वो इस कर्व के क्या है, टेंजेंट है। अब आपसे कहते हैं जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, कौन सी लाइन है, ये वाली, इसका नाम क्या है, वाई माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जो कर्व हम लोगों को दे रखा है उस कर्व का हम लोगों को क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, ठीक है। उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक तो पॉइंट चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अगर स्लोप और पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे इस लाइन का, मान लो इस लाइन का नाम एल है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ इस एल लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको अच्छे से बताया था, माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई। तो कहने का मतलब जब मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 4 हो जाएगा। चलिए जी, अब चलते हैं इसके ऊपर। जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कर्व है उस कर्व की इक्वेशन क्या है, दैट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो हम यहां से स्लोप और टेंजेंट निकालते हैं, आप क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों ने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx, और जो 3 है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होगा, 0। तो आप इसको देखोगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू dy बाय dx 0 माइनस 2x। तो अगर मैं यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लूंगा तो dy बाय dx की वैल्यू निकलेगा कितना, माइनस का 2x बाय 3। व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। आपको दिख रहा है जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है।
अगर टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू टेंजेंट, जो लाइन एल है वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, इसलिए इस लाइन का स्लोप और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। अब इसको देखिए, इसका स्लोप कितना है, माइनस का 2x/3, और उसका स्लोप कितना है, दैट इज गिवन टू बी 4, है ना। तो अगर हम यहां से x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 4 × 3/-2, तो जब आप यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 × -2, इसको कैंसिल करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो x हमारे पास होगा उसका वैल्यू कितना है, माइनस का 6 है। तो y निकालने के लिए हम इस कर्व के बीच में पुट कर देते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा वो लाई तो इसके ऊपर करेगा ना, ठीक है। तो x की वैल्यू को -6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -6² + 3y = 3, सो 36 + 3y = 3, सो 3y = 3 - 36, सो 3y = -33, सो y = -33/3, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 11 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज -6, -11 है, और साथ में जो हमारे पास इस लाइन का स्लोप दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर था, तो इसका स्लोप कितना है, 4 है। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको निकाल दिया, अब इसको क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम लोग यहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी, y − y1, उसके बाद क्या है, m दैट इज 4 इंटू x − -6, ऐसे होगा ना, y − y1 इज इक्वल टू m इंटू x − x1। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या बनेगा, y + 11 दिस इज इक्वल टू 4 और x + 6, तो आपके पास आएगा y + 11 इज इक्वल टू 4x और प्लस में क्या आएगा, 24। इसको इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा, 4x − y + 24 और माइनस का 11, सो यू कैन राइट इट एज 0 = 4x − y, और 24 में से 11 जाएगा, 24 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 30। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज 4x − y + 13 = 0। बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार पेपर में इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोगों को एक कर्व दे रखी है x² + 3y = 3। रफली अगर थोड़ा सा आपको पता है ये चीज क्या है तो आप उसको वैसा वैसा अपलोड करें, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डायग्राम हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा रफ सा चाहिए कि हमें पता लग जाए हमें करना क्या है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x² + 3y = 3, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, हम लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जो टेंजेंट है इस कर्व का वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। कहने का मतलब है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है और जो ये लाइन है, ये दोनों की दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो सीधी सी बात है दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाला, आपको समझाया गया था, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, -4 और वाई का कितना है, 1, सो माइनस ऑफ -4/1, सो द स्लोप ऑफ द लाइन एल इज गिवन टू बी 4। तो जो लाइन एल है इसका स्लोप कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास कर्व दे रखी है x² + 3y = 3, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया ताकि हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल पाए। तो x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, 3 dy/dx, और 3 का 0 हो जाएगा, 3 × dy/dx ये उतर जाएगा, -2x, और dy/dx विल बी -2x/3, व्हिच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एज द लाइन एंड द टेंजेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। तो हमने दोनों के स्लोप को बराबर रखा, वहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट किया, -6 आया। ओरिजिनल इक्वेशन में हमने x को -6 लगा के वहां से y की वैल्यू को कैलकुलेट किया, द वैल्यू ऑफ y विल कम्स आउट टू बी -11। अगर y की वैल्यू -11 आ गई, x की वैल्यू -6 आ गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें मिल गया, -6, -11। उसके बाद आपको मालूम है इस लाइन का स्लोप बिल्कुल वही होगा जो ऊपर वाली लाइन का है, ऊपर वाली लाइन का स्लोप कितना है, 4 है। तो इसका 4 स्लोप आ गया और एक पॉइंट हम लोगों को मिल गया। तो हम लोग यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, y − y1, सो दिस विल बी y − -11 इज इक्वल टू 4 × x − -6। तो जब इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, y + 11, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 4x + 24, इसको उठा के उधर लेके आएंगे, सो आंसर विल बी 4x − y और प्लस का 13 = 0, जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, ये सीबीएसई के 2016-17 के पेपर में क्वेश्चन था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, चार नंबर का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है किस क्वेश्चन के बीच में हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपसे 19 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व। एक कर्व दे रखी है, कौन सी कर्व है, वाई इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 3x और प्लस का 5, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन किसके हैं, 9y प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन सी टेंजेंट है, y इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस का 3x और प्लस का 5। उसके बाद आपसे कहते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 9y प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का होगा, है ना, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे जाता है। तो सपोज कर लो, मान लो ऐसा ऐसा कुछ बनता है, आपसे कहता क्या है, हमारे पास रखा है y इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 3x और प्लस का 5, सही है। हम लोगों को इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है किसी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, सही है। फिर आपसे क्या कहता है, जो टेंजेंट लाइन है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है 9y प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे ना 9y प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो आपसे कहते हैं आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, सबसे पहले हम लोगों को कर्व दिया है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 3x और प्लस का 5। उसके बाद आपसे क्या कहते हैं, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन क्या है, जो इस कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करती जाती है। ये जो टेंजेंट लाइन है, एक लाइन 9y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन l इज 9y प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं इस लाइन का स्लोप निकालना है तो बहुत इजीली निकलेगा, कैसे निकलेगा, माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई। तो कहने का मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप हमारे पास माइनस का 1/9 आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका, तो आप क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी एक्स, चार डी बाय डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का माइनस का 3 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स और d by dx of 5, तो हमारे पास बनेगा 4, इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर 3, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का कितना होगा 0, सो दिस विल बी 12x स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा 3, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, अब आपसे बोलता है जो टेंजेंट है और जो ये लाइन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें अच्छे से मालूम है कोई भी दो चीजें जो परपेंडिकुलर होती हैं दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, माइनस वन। इसलिए जो टेंजेंट का स्लोप है और जो लाइन का स्लोप है उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस वन आएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखो क्या कहता है, 12x² माइनस 3, इसके स्लोप देखेंगे तो माइनस का 1/9 और इसको देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, वन से वन कैंसिल होगा, सो 12x² माइनस 3 इज इक्वल टू 9, सो 12x² इज इक्वल टू 9 प्लस 3, सो 12x² इज इक्वल टू 12, सो x² इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। जो हमारे पास x होगा उस x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, एक बार वन आप यहां लगा दीजिए तो आपके पास दे के रखा है y इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस का 3x और प्लस का 5,
तो एक बार आप x की जगह पे एक लगा दो तो आपके पास आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 प्लस का 5, 9 माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा 6। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया जहां से टेंजेंट पास करता है। टेंजेंट कहां से पास करता है? 1,6 से। और ये बताइए जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप -1/9 है और जो टेंजेंट है उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो -1/9 की वजह से जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? 9। एक बार एक्स की जगह -1 लगा दो, तो जब आप -1 लगाएंगे तो वाई इज इक्वल टू 4 -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 प्लस का 5, -4 प्लस का 3 प्लस का 5, तो ये कितना बनेगा? 4। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा एक और पॉइंट, वो पॉइंट हमारे पास है -1 और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 4 है। तो अगर मैं यहां से स्लोप निकालना चाहूंगा तो स्लोप हमारे पास कितना आएगा? स्लोप तो बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि उस लाइन का स्लोप -1/9 है और वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? -1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहां से लिखते हैं। आप लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं क्या आएगा? वाई माइनस वाई वन 9 इंटू एक्स माइनस 1, सो वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 9। इसको इधर लेके आओ, 9x माइनस वाई और माइनस का 9 और प्लस में 6, इसको देखेंगे तो क्या बनेगा? 9x माइनस वाई माइनस 9 प्लस 6 करेंगे तो माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा ना। 9x माइनस का वाई और प्लस का 3, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इससे और निकाल लेते हैं ना, -1,4 से पास करती इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मतलब दो पॉइंट मिलेंगे और दो पॉइंट में से हर एक के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? वाई माइनस वाई वन, इसको लिखेंगे 9, एक्स माइनस एक्स वन, सो वाई माइनस 4 9 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये बनेगा वाई माइनस 4 9x प्लस का 9, 9x माइनस वाई और 9 प्लस 4 करेंगे तो 30। तो हमारे पास दो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। सबसे पहला टेंजेंट का इक्वेशन है 9x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर पे है 9x माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? इसलिए इसमें और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पे जो लाइन दे रखा था वो टेंजेंट के पैरेलल था, यहां पे जो लाइन दे रखा है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। कोई भी दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो वहां से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास +-1 आएगा। ठीक है, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आप यहां से x की वैल्यू लगा के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 6 आएगा और एक हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। तो दो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा 1,6 एंड द सेकंड पॉइंट विल बी -1,4 एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ऑब्वियस सी बात है जब इसका स्लोप -1/9 है तो इसका 9 होगा, तभी तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। तो एक बार 1,6 लेके 9 स्लोप ले लिया और एक बार -1,4 लेके 9 स्लोप ले लिया, दोनों से हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया, तो हम लोगों को दो टेंजेंट का इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, दोनों के दोनों सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत पसंद है और सीबीएसई के पेपर में जब पेपर सेट किया जाता है तो सबसे पहले उम्मीद किया जाता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलें फिर आगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, एक क्वेश्चन है बहुत बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपसे क्या कहता है, एक क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा लेंथी है और समझने वाला है। ठीक है, या पहले और अच्छी क्वेश्चन करें, चलो इसी को करते हैं, बिल्कुल आसान सी चीजें। आपसे क्या कहता है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व, एक कर्व के टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। और इक्वेशन क्या दे रखी है, वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 और माइनस का 2, विच इज पैरेलल टू द लाइन, विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको करना है, फटाफट से करके बताओ कैसे करोगे इसको, ठीक है, बिल्कुल जैसे पहला सवाल कराया था बिल्कुल वैसा वैसा सवाल है, y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 और माइनस का 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 और माइनस का 2, यही था ना, y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस का 3 और माइनस का 2, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस का 2y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। शुरू करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, कर्व दे रखी है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप बनेगा कुछ, तो मान लो ये ऐसा कुछ है, तो y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 माइनस 2, ऐसा है। फिर आपसे कहते हैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन हमें क्या दिया है 4x माइनस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो अगर हम लोग l का स्लोप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशियंट ऑफ x बाय कोफिशियंट ऑफ y, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। y हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 और माइनस 2, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, dy वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है m के, इसको लिखेंगे क्या 1 बाई 2 आगे आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 डी बाई डी एक्स होगा 5x माइनस 3 का, इसका 0 हो जाएगा, 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव 5 है, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2, और ये हमारे पास बनेगा 5x माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सही है। अब आपसे क्या कहता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर है, है ना, सॉरी पैरेलल है, तो आप लिख देना जो टेंजेंट है और जो ये कर्व है वो दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है, तो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू लाइन है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा लाइन के स्लोप के, है ना, जितना स्लोप टेंजेंट का होगा उतना ही स्लोप किसका होगा, लाइन का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है जी। चलो जो टेंजेंट हमारे पास है, टेंजेंट का स्लोप हमने निकाल रखा है कितना है, पाई बाय 2 स्केयर रूट ऑफ 2x माइनस सॉरी 5x माइनस 3, और वहां से स्लोप कितना निकला, वहां से स्लोप 2 निकला, तो आप इसको लिख सकते हो 5, ये उधर जाएगा 4, स्केयर रूट में कितना आएगा 5x माइनस 3, ऐसा बन जाएगा। स्केयर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर देते हैं, 25 दिस विल बी 16 इनटू में क्या आएगा 5x माइनस 3, इसको लिखेंगे 25 बाय 16, इसको ले जाएंगे प्लस का 3 और किसके इक्वल आएगा 5x के इक्वल आएगा। चलिए जी, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, 16 25 प्लस का 48 इज इक्वल टू 5x, 25 में 48 को ऐड करेंगे, 8 और 5 13 1 73 बाय 16 इनटू 5x, तो जो हमारे पास x होगा उस x की वैल्यू आएगी 73 बाय 80, ठीक है ना, जो हमारे पास x आएगा उस x का वैल्यू कितना आएगा 73 डिवाइड में कितना आएगा 80, तो इसको पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार पहले इसको चेक कर लो गलती ना होगी हो, नहीं तो फिर सारा काटना पड़ेगा, 5 बाय 2 5x माइनस 3 का 5 और इसका करेंगे तो स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3, ठीक है जी। तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हमारे पास बराबर होगा 5 इंटू 73 बाय 80
माइनस का 3 और माइनस का 2। चलिए वाई इसको देखो 80 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 365, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 240 और माइनस का क्या आ जाएगा 2। इसको देखो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 0 करेंगे 5 2 1 125, तो 125 का स्केयर रूट होएगा, इसको लिखेंगे ना क्या आएगा 125 बाय 80 और माइनस का 2, 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 55 25 16, तो ये बनेगा 5 बाय 4 माइनस 2, तो 5 माइनस 8 बाय 4 इसको लिखेंगे माइनस 3 बाय 4, ठीक है ना। तो हमारे पास एक लाइन आ गई, वो लाइन जो है 73 बाय 80 कोमा, इसको लिखेंगे माइनस 3 बाय 4, इस वाले पॉइंट से पास करती है। और जो स्लोप हम लोगों को दे रखा है, वो हम लोगों को स्लोप कितना दे रखा है, द स्लोप इज गिवन टू बी 2, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस विल बी वाई माइनस वाई वन, एम लिखेंगे 2 एक्स माइनस 73 बाय 80, ऐसा बन जाएगा। 4 एलसीएम आ जाएगा, इसको लिखेंगे 4 वाई प्लस 3 2, 80 एलसीएम आ गया, तो इसको लिखेंगे 80 एक्स माइनस में क्या आएगा 73, ऐसा बन जाएगा। चलिए जी इसको कैंसिल करते हैं, जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, इस 4 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 40 वाई और प्लस का 30, ये हमारे पास क्या होगा 80 एक्स और माइनस में क्या आएगा 73, ऐसा बनेगा। इस सारे को उठा के इधर ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा 80 एक्स माइनस का 40 वाई, 73 माइनस का और 30 माइनस का कितना होगा माइनस का 103, तो आंसर आएगा 80 एक्स और माइनस का 40 वाई और माइनस का 103, ठीक है ना। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार इसका, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, क्वेश्चन नंबर 21 है 80x माइनस का 40y और माइनस का 103, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा सीधा आ रहा था, बट डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको करना है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना था, ठीक है। एक कर दे रखा था y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5x माइनस 3 माइनस 2, और इस लाइन का स्लोप हमें 2 दे रखा है, तो हमने क्या किया दोनों का स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप निकाल के उसको बराबर कर दिया। जब आप उस दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हमने यहां से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू 73 बाई 80 है, 73 बाई 80 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब वहां से y की वैल्यू को निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा माइनस 3 बाई 4 आएगा। अगर y का वैल्यू माइनस 3 बाई 4 है और x का वैल्यू 73 बाई 80 है और जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप 2 है, तो हम लोग वहां से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं 80x माइनस का 40y और माइनस का 103, ऐसा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सीबीएसई का 2016 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जो फॉरेन कोड था उसके बीच में क्वेश्चन 6 नंबर का आया था, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आना डिजर्व करता है और क्वेश्चन भी बहुत प्यारा और अच्छा है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है ना। आपसे क्या कहता है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पिछले वाला 21 था, ये 22 क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व, एक कर्व दे रखी है, क्या है वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और आपसे कहता है एक्स का वैल्यू माइनस 2 पाई से लेके प्लस 2 पाई के बीच में है, ठीक है, दैट टेंजेंट्स आर, ठीक है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, कौन सी लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है, तो आपको इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको करना है, ठीक है। तरीका वही है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, ये कर्व दे रखी है,
एक्स का वैल्यू माइनस टू पाई से लेके प्लस टू पाई के बीच में है और इस लाइन के क्या है पैरेलल है। स्टार्ट करें, चलिए सबसे पहले तो इस लाइन का नवेड़ा करते हैं ना। ये बताओ इस लाइन का अगर मेरे को स्लोप निकालना पड़े तो मैं आंख मीच के माइनस वन बाई टू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसमें x का कोफिशियंट कितना है वन और जो y है उस y का कोफिशियंट कितना है टू, सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन टू बी माइनस वन बाय टू। ठीक है जी, अब चलते हैं इसकी तरफ, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। जब आप यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका एक्स प्लस वाई का, ऐसे ही होगा। तो हम यहां से लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही होगा ना, माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन है और वाई का जो डेरिवेटिव है वो कितना है डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दू, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और साथ में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा बनेगा। ये माइनस का है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो लेके आइए इसको क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और साथ में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमने यहां से डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कर दिया, बीच में आ गया वन प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जब हम यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन प्लस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को साथ साथ करते रहो क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा बीच में, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को कर दिया था वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव किया तो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई आ गया और हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आप ऐसा लिखोगे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके लाइन के, इसलिए टेंजेंट का जो स्लोप है और जो लाइन का स्लोप है वो सेम आएगा। तो इसको लिख दो माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो ये से कैंसिल होगा, ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और प्लस का क्या आएगा, देखो टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी, चलो इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा, दो में से एक जाएगा, अगर दो में से एक जाएगा तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा वन आ जाएगा, सही है जी। चलो आपको ये मालूम है कि जो भी आएगा वो पाई बाय टू आएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई निकाल लो आप यहां से, जब हम लोग यहां से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है वन के, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कितना आएगा, एक तो पाई बाय टू आएगा, पाई बाय टू पे वैल्यू वन होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एक और निकालना चाहें तो वो क्या होगा, थ्री पाई बाय टू भी हो सकता है, सही है, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी तो एक्स प्लस वाई, अभी तो एक सेकेंड के लिए इसको ऐसे लिख लो, या हाँ ऐसे एक सेकेंड के लिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो वन के इक्वल है, अगर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई वन के इक्वल है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है पाई बाय टू, ऐसे ही है। इस पाई बाय टू वैल्यू को आप इसके बीच में डाल दो, इस पाई बाय टू वैल्यू को आप इसके बीच में डाल दो, या फिर आप ऐसे भी ले लो, सही है, टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो वन आएगा, या आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लो यहां पे सीधा, काहे तंग हो रहे, ऐसा आपने पढ़ा ना
कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, ऐसे ही होता है। तो इसको लिख लो, क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और साथ में कितना आएगा, पाई बाई टू, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा, सही है। अब x प्लस वाई की वैसे ओरिजिनल वैल्यू कितना है, x प्लस वाई का ओरिजिनल वैल्यू पाई बाई टू है, तो आप एक बार ना इसमें पाई बाई टू लगा दो। तो अगर हम यहां पे पाई बाई टू लगा देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, cos of x प्लस वाई, ऐसे ही आएगा। तो आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू cos, फिर हमारे पास क्या आएगा, तो ऐसा बन जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू एक बार के लिए अगर हमने लगा दिया पाई बाई टू, तो cos पाई बाई टू का जो वैल्यू होता है, cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना है, जीरो है। ठीक है, जो cos पाई बाई टू हमारे पास होगा, cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो यहां पे आप y की वैल्यू को जीरो कर दो। अगर मैंने y की वैल्यू को जीरो कर दिया तो x प्लस जीरो विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू में क्या आएगा, पाई बाई टू। अब हम लोगों को x का रेंज दिया है कि x का वैल्यू जो है वो माइनस टू पाई से लेके प्लस टू पाई के बीच में है, और n जो होता है आपको मालूम है इंटीजर है, तो आप इसके बीच में पुट करके देखते रहिए। तो एक बार मैंने n की जगह पे क्या लगा दिया, जीरो। अगर आप n की जगह पे जीरो लगाएंगे तो x का वैल्यू आएगा जीरो पाई माइनस वन की पावर जीरो इंटू पाई बाई टू। तो इसको लिखेंगे जीरो, ये आएगा वन मल्टीप्लाई पाई बाई टू, तो सीधी सी बात है x कोऑर्डिनेट आएगा पाई बाई टू। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो हम लोगों को बिल्कुल सही मिल गया, पाई बाई टू कोमा जीरो। ठीक है ना, जो पहला पॉइंट हमारे पास आएगा, पहला पॉइंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी पाई बाई टू, और कोमा में कितना आएगा, पाई बाई टू और कोमा क्या आएगा, पाई बाई टू कोमा जीरो, ऐसा बन जाएगा ना, पाई बाई टू कोमा जीरो, सही है। चलिए जी, पाई बाई टू कोमा जीरो आ गया। उसके बाद आप एन की जगह पे एक लगाइए। अगर मैंने एन की जगह पे एक लगाया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन पाई प्लस माइनस वन की पावर वन इंटू पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू करेंगे तो आपके पास अगेन क्या बचेगा, पाई बाई टू, वो तो बिल्कुल सेम ही है। अगर मैं एन की जगह पे टू कर दूं तो एक्स मेरे पास क्या आएगा, एक्स मेरे पास आएगा टू पाई माइनस वन का स्क्वायर और साथ में पाई बाई टू, तो एक्स की वैल्यू आएगी टू पाई प्लस पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू। लेकिन ये वाली चीज माइनस दो पाई से लेके प्लस दो पाई के बीच में नहीं आती है, ठीक है ना। इनफैक्ट पाई बाई टू की जगह अगर आप यहां पे ऐसा लिख दोगे एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और इंटू में क्या आएगा, पाई बाई टू, ऐसा है ना। तो आप कभी भी देख लेना, इसके बीच में कुछ भी लगा के देख लो एन की जगह, तो वाई का वैल्यू हमेशा जीरो होने वाला है, चाहे पाई बाई टू लगा के देख लो, चाहे थ्री पाई बाई टू लगा के देख लो, और चाहे आप इसके बीच में फाइव पाई बाई टू लगा के देख लो, आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो y तो हमेशा जीरो रहने वाला है। अगर मैंने इसमें वन लगाया तो अगेन मुझे पाई बाई टू मिला, वो तो मेरे पास पहले से ही है। अगर मैंने इसके बीच में टू लगाया तो मुझे फाइव पाई बाई टू मिला, और फाइव पाई बाई टू तो है जो इससे बाहर जाएगा। अब हम यही चीजें सारी की सारी नेगेटिव में ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने इसमें पॉजिटिव वैल्यूज लगाई, ऐसे हम लोग इसके बीच में क्या लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज जो है वो लगाने वाले हैं, नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो पहले इसको यहां तक लिख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर सारा का सारा मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। चलो इसके बीच में लिखना है तो यहां लिख लेते हैं, एन की जगह मैंने माइनस एक लगाया। अगर मैंने माइनस एक लगा दिया तो मेरे पास आएगा माइनस पाई, फिर आपके पास आएगा माइनस वन की पावर माइनस वन, और साथ में क्या आएगा, पाई बाई टू। तो माइनस पाई इसको नीचे लेके आएंगे तो माइनस का पाई बाई टू, इसको लिखेंगे तो माइनस का थ्री पाई बाई टू, माइनस का थ्री पाई बाई टू, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को मिला दैट विल बी माइनस का थ्री पाई बाई टू, और साथ में क्या बनेगा, जीरो। अगर हम लोग एन की जहां पे माइनस टू लगा दें तो माइनस टू लगाने से क्या बनेगा, माइनस टू पाई माइनस वन का स्केयर और फिर आएगा पाई बाई टू। आप इसको यहां मत लिखो, यहां लिख दो ए यहां पे, इसकी जगह पे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहां लगाते हैं, जब हमने एन की जहां पे माइनस टू लगाया तो माइनस टू लगाने से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू पाई, इसको लिखेंगे माइनस वन का स्केयर साथ में पाई बाई टू। तो माइनस का टू पाई प्लस का पाई बाई टू, अगेन क्या मिलेगा, माइनस थ्री पाई बाई टू, वो तो हम लोगों को पहले ही मिल चुका है।
फिर हमने n की जहां पे माइनस थ्री लगाया, जब आप n की जहां माइनस थ्री लगाएंगे तो आएगा माइनस का थ्री पाई माइनस वन की पावर थ्री और साथ में पाई बाय टू, इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का सेवन पाई बाय टू, जो बिल्कुल भी माइनस टू पाई से लेकर प्लस टू पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब हम लोगों को दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पाई बाय टू और जीरो, और सेकेंड वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है माइनस का थ्री पाई बाय टू और जीरो। तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। इसको लिखोगे क्या, ये हमारे पास है पाई बाय टू और जीरो, इसका जो स्लोप हमारे पास है, इसका स्लोप हमारे पास है माइनस वन बाय टू। सो वाई माइनस जीरो माइनस का वन बाय टू, एक्स माइनस पाई बाय टू, ये उधर चला जाएगा दो वाई, इसको लिखेंगे माइनस एक्स और प्लस का पाई बाय टू, इसको लिखेंगे फोर वाई माइनस का टू एक्स और प्लस का पाई। सो टू एक्स प्लस का फोर वाई और प्लस का पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। वाई माइनस जीरो माइनस का वन बाय टू, एक्स माइनस पाई बाय टू, ठीक है। इसको उधर उधर ले जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब एक रह गया ये वाला, इसको यहां लिख देते हैं। ये हमारे पास है माइनस का थ्री पाई बाय टू कोमा जीरो, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो है माइनस वन बाय टू। तो इक्वेशन आएगा वाई माइनस जीरो माइनस का वन बाय टू, एक्स माइनस माइनस करेंगे तो एक्स प्लस थ्री पाई बाय टू, इसको लिखेंगे टू पाई, ये बनेगा माइनस का एक्स माइनस का थ्री पाई बाय टू, इसको उधर लेके जाएंगे चार वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और माइनस का थ्री पाई। तो टू एक्स प्लस का फोर पाई प्लस का थ्री पाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो टेंजेंट की इक्वेशन निकलेंगी। सबसे पहला जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो है 2x प्लस का 4y प्लस का पाई इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड निकलेगा 2x प्लस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में 6 नंबर का आने की पूरी पूरी उम्मीद है ना, और बहुत 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 बढ़िया सवाल है। सबसे पहले आपसे क्या कहता है, वाई दे रखा है, वाई वाई किसके इक्वल है, कोज ऑफ एक्स प्लस वाई के। अगर y cos of x plus y के बराबर है तो हमने वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना शुरू किया। ठीक है, आपको मालूम है cos x plus y का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का sin x plus y, और x plus y का डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे तो 1 plus dy by dx। तो हमने यहां से dy by dx को कैलकुलेट कर लिया, माइनस का sin of x plus y और डिवाइड में कितना हो गया 1 plus sin of x plus y, ऐसे ही आएगा ना। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये आएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला जो दे रखी थी, माइनस वन बाय टू था, क्योंकि दोनों की दोनों बराबर थी तो हमने दोनों को क्या कर दिया, हमने दोनों को बराबर कर दिया। जब हमने दोनों को बराबर किया तो हमने वहां से एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाला, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाय टू। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जब आप उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सीधी सी बात है y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू जीरो आएगा। तो हमने उस y की वैल्यू को जीरो यहां पे पुट कर दिया। अगर y की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो x किसके इक्वल आएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाय टू, क्योंकि n इंटीजर को बिलोंग करता है। तो हमने यहां पे इंटीजर लगाने शुरू किए, तो अपने एक बार n की जहां जीरो लगाया, जब आप n की जहां जीरो लगाएंगे तो n की जहां जीरो लगाने से आंसर कितना आता है, पाई बाय टू। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू जीरो है तो वहां पर x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू, और y की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पॉइंट मिल गया कौन सा, पाई बाय टू कोमा जीरो। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक लगाया, एक लगाने से आंसर फिर पाई बाय टू आता है, वो तो पहले ही दे रखा है। फिर हमने क्या किया, x की जगह पे दो लगाया। तो जब आप x की जगह पे दो लगाते हैं तो आप सीधा कहते हैं कि सर आंसर जो है वो माइनस का 5 पाई बाय 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, माइनस 5 पाई बाय 2 तो नहीं आएगा। फिर हमने n की जहां पे माइनस 1 लगाया, जब आप n की जहां पे माइनस 1 लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, माइनस 3 पाई बाय 2, बिल्कुल सेट है। तो माइनस 3 पाई बाय 2 कोमा 0 बन गया। फिर हमने n की जहां पे माइनस 2 लगाया, माइनस 2 लगाने से आंसर फिर से माइनस 3 पाई बाय 2 आता है, वो हम पहले से ले चुके हैं। फिर हम लोगों ने n की जहां पे क्या लगाया, माइनस 3, जब आप n की जहां पे माइनस 3 लगाएंगे तो माइनस 7 पाई बाय 2 जाएगा, और माइनस सेवन पाई बाय टू का वैल्यू माइनस टू पाई से लेके टू पाई से आगे होता है ना। इसका मतलब ये वाली चीज इसके बीच में लाई नहीं करती है, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है। तो हमारे पास दो चीजें मिल गई, सबसे पहला पॉइंट था पाई बाय टू कोमा जीरो,
और सेकेंड वाला था माइनस का 3π/2/0, और स्लोप तो हम लोगों को मालूम ही है कि इसका जो स्लोप है वो कितना है, माइनस का 1/2। तो हमने इक्वेशन लिखा क्या आएगा, वाई माइनस जीरो माइनस का 1/2 एक्स माइनस 5/2, ये उधर चला गया 2y माइनस एक्स प्लस 5/2, एलसीएम ले लिया 4y माइनस का 2x और प्लस का पाई, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस का 4y और प्लस का पाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने इससे लिखी माइनस का 3π/2, 0, m का वैल्यू माइनस 1/2, इसका इससे करेंगे तो ये 2y उधर चला जाएगा, माइनस का x और माइनस का 3π/2 बन जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे 4y माइनस x माइनस 2x माइनस 3π, सो 2x प्लस का 4y प्लस का 3π इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सी चीज थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज थी, कुछ भी नहीं है इसके बीच में, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से एक बार, 2x प्लस का 4y और प्लस का 3π इज इक्वल टू 0, सही है, और माइनस का 1/2 जी था, माइनस का 1/2 इसका स्लोप था, चलो ठीक है ना, हाँ सही है बिल्कुल। जब आप इसको उधर ले जाओगे तो पाई जो है, पाई हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2x प्लस का 4y और माइनस का पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, बाकी सवाल में इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको कर लेंगे, ठीक है, पोस्ट करके आप इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, 2015 के पेपर में उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था पेपर में, 6 मार्क्स का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है शो दैट x बाय ए, क्वेश्चन नंबर 29 है, x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व, एक कर्व को टच करता है, कौन सी कर्व को, y इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय ए एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसिस द एक्सिस ऑफ y, जहां पे जो कर्व है अगर वो एक्सिस ऑफ वाई को क्रॉस करती है तो वहां पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, वाई किसके इक्वल है, बी इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय ए। तो सबसे पहले आपसे क्या कहता है, आपको प्रूव करना है जहां पे भी ये कर्व किसको क्रॉस करती है, वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, वहां पर यह लाइन इस कर्व का क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको मालूम है एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, जो y एक्सिस होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0, तो x की यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो y इज इक्वल टू b e रेस टू पावर माइनस 0 बाय a, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू b e रेस टू पावर माइनस 0, y इज इक्वल टू b e रेस टू पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, b बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, b आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो मिल गया, क्या है, 0, b, ठीक है ना। उसने कहा था जहां पे ये एक्सिस ऑफ वाई को क्रॉस करेगी वहां पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो हमने इसका डेरिवेटिव करना शुरू किया, आपने इसको लिखा डी वाई बाय डी एक्स, बी ऐसे का ऐसे डी बाय डी एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय ए, तो e में कोई भी चीज हो उसका डेरिवेटिव सेम टू सेम रहता है, और d बाय डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स बाय ए का, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, b, ये क्या बन जाएगा, माइनस का a और e रेस टू पावर माइनस एक्स बाय ए सेम टू सेम। अब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट,
कौन से पॉइंट पे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी कैलकुलेटेड एट जीरो कोमा बी, तो लगा दो माइनस का बी बाई ए, ई रेस टू पावर माइनस जीरो बाई ए, माइनस का बी बाई ए, ई रेस टू पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा, और अगर वन आएगा तो कितना बनेगा, माइनस का बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस का बी बाई ए। तो क्या हम लोग यहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बहुत इजीली, क्या आएगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर हम लोग कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्या आएगी, वाई माइनस बी, जिसका स्लोप है वो कितना आएगा, माइनस बी बाय ए, और साथ में कितना आएगा, एक्स माइनस जीरो, ठीक है ना, वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का बी एक्स। इसको उधर ले आओ, क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस का ए वाई, ये माइनस का ए बी है, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इसके दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दो, अगर मैं इसके दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दूं तो ऐसा बनेगा, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, सो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर हम लोगों को कोई भी कर्व दे रखी है, उस कर्व का टेंजेंट हम लोगों को निकालना है, तो उस कर्व का टेंजेंट हमारे पास आएगा एक्स बाय ए, और प्लस में क्या आएगा, वाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ जाएगा ना। तो बिल्कुल आसान सी चीज थी, सबसे पहले आपने देखा कर्व हमारे पास है वाई इज इक्वल टू बी इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय, तो सबसे पहले आपसे कहा गया था ऐसा पॉइंट जहां पे ये किसको क्रॉस करती है, एक्सिस ऑफ वाई को क्रॉस करती है, जहां पे एक्सिस ऑफ वाई को क्रॉस करेगी वहां पे एक्स जीरो होगा, तो एक्स को जीरो कर दिया, वहां से वाई का वैल्यू निकाला, तो वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, बी आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये कर्व है इसके ऊपर पॉइंट क्या निकलेगा, जीरो कोमा बी निकलेगा। फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बी ऐसे का ऐसे, इसको लिखेंगे ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय, और माइनस एक्स बाय ए का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन बाय ए, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और साथ में क्या आएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय ए। फिर हमने एक्स यहां पे जीरो लगा दिया तो माइनस बी बाय ए आ गया, और फिर हमारे पास जीरो कोमा बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास माइनस बी बाय ए है, सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज गिवन टू बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है, माइनस का बी बाय ए, और साथ में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस जीरो। इसे को उधर ले जाएंगे ए वाई माइनस ए बी, दिस इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे बी एक्स प्लस का ए वाई इज इक्वल टू ए बी, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे, जब आप दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स बाय ए और प्लस का वाई बाय बी इज इक्वल टू वन, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन में से आता है, कभी आपसे बोलेगा x एक्सिस को क्रॉस करता है, कभी बोलेगा y एक्सिस को क्रॉस करता है, अगर x को क्रॉस करेगा तो y इज इक्वल टू जीरो होगा, और अगर y को क्रॉस करेगा तो x इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, ऐसा लिखा है, 27th है, जितने पार्ट रह गए मैं करवाऊंगा सारे, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा आज के साथ। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वन। फिर आपसे कहता है एट एक्स वन कोमा वाई वन, ठीक है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स एक्स वन बाय ए का स्क्वायर वाई वाई वन बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वन। हम लोगों को पॉइंट दे रखा है कैसा, एक्स वन कोमा वाई वन का, और आपसे कहता है प्रूव करके दिखाओ इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का इक्वेशन आएगा एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर। पॉइंट तो हमें दे ही रखा है, स्लोप चाहिए, निकालू क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा, टू एक्स बाय ए स्क्वायर टू वाई बाय बी स्क्वायर
डी वाई बाय डी एक्स, और किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो टू वाई बाय बी स्केयर डी वाई बाय डी एक्स, दिस विल बी माइनस टू एक्स बाय ए स्केयर। तो दो से दो कट जाएगा, तो जब हम लोग यहां से डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का बी स्केयर बाय ए स्केयर, और साथ में क्या आएगा, एक्स बाय वाई। फिर आप लिखोगे एम, वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कैसे निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, एक्स नोट कोमा वाई नोट। तो माइनस का बी स्केयर बाय ए स्केयर एक्स नोट बाय वाई नोट, ऐसे आएगा, माइनस का बी स्केयर बाय ए स्केयर एक्स नोट बाय में क्या आएगा, वाई नोट। ठीक है जी, अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको मालूम है बहुत अच्छे से, इक्वेशन ओ सॉरी एक्स वन वाई वन दे रखा है ना, तो यहां पे एक्स वन, फिर क्या आएगा वाई वन, यहां पे भी एक्स वन और यहां पे भी क्या आएगा वाई वन। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या बनेगा, वाई माइनस वाई वन, स्लोप क्या है, माइनस का बी स्केयर बाय ए स्केयर एक्स वन बाय वाई वन, और साथ में क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा बन जाएगा। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा, ए स्केयर वाई वाई वन, इसको लिखेंगे तो माइनस का ए स्केयर वाई वन का स्केयर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का बी स्केयर एक्स एक्स वन, और इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, बी स्केयर एक्स वन का स्केयर, ऐसा बन जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा, ए स्केयर वाई वाई वन बी स्क्वेयर एक्स एक्स वन, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ए स्केयर वाई वन का स्केयर बी स्केयर एक्स वन का स्केयर, ऐसा बन जाएगा। अब आपसे क्या कहते हैं, दोनों तरफ ए स्केयर बी स्केयर से डिवाइड कर दो, अगर मैं इसके दोनों तरफ ए स्केयर बी स्केयर से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, ऐसा आ जाएगा, यहां लिखेंगे बी स्केयर एक्स एक्स वन डिवाइड बाई ए स्केयर बी स्केयर, यहां लिखेंगे ए स्केयर वाई वन का स्केयर बाय ए स्केयर बी स्केयर, बी स्केयर एक्स वन का स्केयर बाय ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर से गया बी स्केयर से बी स्केयर गया, ए स्केयर से ए स्केयर बी स्केयर से बी स्केयर, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्स वन बाय ए का स्केयर वाई वाई वन बाय बी का स्केयर। एक चीज का ध्यान रखना, मान लो ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो इस कर्व के ऊपर भी लाई करता है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो कर्व के ऊपर लाई करता है, अगर वो कर्व के ऊपर लाई करता है तो ऑब्वियसली बात है कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो पुट कर दो इसमें, क्या बन जाएगा, एक्स वन स्केयर बाय ए स्केयर वाई वन स्केयर बाय बी स्केयर दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा, क्योंकि एक्स वन कोमा वाई वन जो है वो इस कर्व के ऊपर लाई करता है, अगर वो इस कर्व के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, 1 के, तो आप यहां लिख सकते हो ये वाली चीज 1 के बराबर है। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल कम्स आउट टू बी x x1 बाय a का स्क्वायर प्लस y y1 बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, हम लोगों को कर्व दिया था एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस का वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू 1, आपसे कहते हैं एक्स वन कोमा वाई वन पॉइंट के ऊपर आपको इस कर्व का टेंजेंट निकालना है, कि इस कर्व के टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी, इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या आएगी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, तो जब आप इसके सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव किया, तो टू एक्स बाई ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो 2y by b square dy by dx is equal to 0, so 2y by b square dy by dx इधर लिखेंगे तो minus 2x by a square, दो से दो कटेगा, तो dy by dx का वैल्यू आएगा minus का b square x divide में क्या आएगा a square y, पॉइंट हमें दे रखा है x1 y1, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब इसके बीच में पुट किया, इक्वेशन निकाला, लास्ट में ये देखा कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर भी लाई करता है और कर्व के ऊपर भी लाई करता है, अगर टेंजेंट और कर्व दोनों पे लाई करता है तो इसका मतलब है दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो हमने उसके बीच में पुट कर दिया, तो वहां से वैल्यू 1 आ गया, और अगर 1 वैल्यू आ गया तो ऑब्वियस सी बात है जो राइट हैंड साइड लिखे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा एक्स एक्स वन बाय ए का स्केयर और प्लस में वाई वाई वन बाय बी का स्केयर इज इक्वल टू
वन आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मैथ्स फैकल्टी हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।